चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। परसा आदेश आ जावे तो एकदम दिल्ली कूच हो जा। अच्छा। दिल्ली की तैयारी के लिए उमर मुंह करके खड़ा कर रखे। आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारी मांग नहीं मांगी जाएंगी, जब तक हमारा आंदोलन बराबर चलता रहेगा। सुनने को तैयार नहीं, सरकार अपनी मर्जी, हिटलर हिटलर शासन चल रहा है तो पूरा तगड़ा करके। सांकेतिक धरना था उसके विरोध में जो पंजाब वाले रोक रखे हैं, और इन्होंने बात अगर हमारी मान ली 14 तक तो फिर नहीं जाएंगे, नहीं तो दिल्ली जाएंगे। हाईवे जाम किया हुआ है, ये ट्रैक्टर जो है श्रृंखला में खड़े हुए हैं दिल्ली की तरफ को, ये कहाँ हो रहा है और क्यों जो है किसान अपना इस तरह? भैया ऊपर से आदेश आ जावे तो एकदम दिल्ली कूच हो जा। अच्छा। दिल्ली की तैयारी के लिए उमर मुंह करके खड़ा कर। कहाँ कहाँ आपका ये धरना चला हुआ है? ये जितने भी नेशनल हाईवे हैं जो दिल्ली जाने वाले हैं उन सब जिलों में, पूरी यूपी के अंदर सब में है। अच्छा, 26-27 की कॉल थी, तो आज आपका किस टाइम तक धरना है और कल का क्या प्रोग्राम है किसान? रात के 8-9 बजे तक, मतलब जैसे 4 बजे तक है, अगर आगे का आश्वासन का या आह्वान हुआ तो आगे तक भी देंगे। क्या लग रहा भाई यहाँ बैठे किसान? भैया सुनने को तैयार नहीं, सरकार अपनी मनमर्जी, हिटलर हिटलर शासन चल रहा है तो पूरा तगड़ा करके अपनी मनमर्जी कर रही सरकार। तो क्या मांग हो जाएगी पूरी या नहीं हो जाएगी? देखो, धरने प्रदर्शन तो चलते रहेंगे, किसान जगाता रहेगा सरकार को, सरकार की आंख खोलने के ना किसान जब भी तो सड़कों पर उतरे हैं तो उसकी मांग पूरी नहीं होती। 26 जनवरी का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था दिल्ली में, उसमें भी बहुत सारे किसानों पर केस हुए थे, अगर अभी केस हो गए फिर? केस होंगे, केस किसान का डर है केसों से, कितने केस कर लो, किसान का डर रहा केस से, केस हम तो हमारा तो आंदोलन है, आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारी मांग नहीं मांगी जाएंगी, जब तक हमारा आंदोलन बराबर चलता रहेगा। अच्छा, आज जो ये धरना चला हुआ था क्या निर्णय लिख रहा? चल दिए धरना, सांकेतिक धरना था सरकार को दिखाने के लिए, अगर हम मेरी बात नहीं मानी तो हम 14 मार्च को इससे बड़ा धरना करेंगे। 14 मार्च की घोषणा हो गई है? हाँ। अच्छा, तो क्या क्या मांग लेके किसान यहाँ पे थे? यही है, संपत्ति की गारंटी को उसे कानून बनाओ उस पर। अच्छा। और जो है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो है उसे लागू करो। अगर बात नहीं मानते हैं तो 14 तारीख में दिल्ली, ये सांकेतिक धरना था उसके विरोध में जो पंजाब वाले रोक रखे हैं, और इन्होंने बात अगर हमारी मान ली 14 तक तो फिर नहीं जाएंगे, नहीं तो दिल्ली जाएंगे। तो आगे लग रहा है अगर बात मानी जाएगी या नहीं, आपको क्या लगता है बात मान ली जाएगी या नहीं? मान लेनी चाहिए, वैसे यह किसान विरोधी सरकार है, झूठे लोग हैं ये, इनका यकीन तो नू नहीं कर सकते कि ये अब से 2-3 साल पहले तो धरना 13 महीने चला, बात तो इन्होंने हमारे से सब मान ली थी, हाँ कर ली थी, लेकिन मतलब यो अमल में नहीं लाए, हुआ कुछ नहीं।